एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब ये बोलूँगी कि इस वीडियो में आज तीन चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तीन चीज़ें जिसमें फर्स्ट मैं लेकर आई हूँ कॉफ़ी ऑयल। जी हाँ, कॉफ़ी हेयर ग्रोथ ऑयल है, जो कि सुपर डुपर अमेजिंग हेयर ऑयल है। मैं आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड, आपको एक टीनेजर हेयर स्टाइल मिलेगी, जिसमें टीनेजर अपने बालों को किस तरह से बांध सकते हैं, एक स्टाइल बताऊंगी मैं आपको, मैंने फ्रूटी बताएगी, ओके। एंड थर्ड, कल मैं शॉपिंग करने मॉल्स गई थी, तो मैं और फ्रूटी हम दोनों ही गए थे, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग भी की है शॉपिंग की, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि एक वीडियो में आप तीन चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, वीडियो शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ी सी पता नहीं क्यों भूख लगने लग जाती है, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ मैक्रोनी। एंड चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इसका पहले का जो पार्ट था ना, मैंने इसको मिक्स किया, ये पार्ट मुझसे डिलीट हो गया, तो फिर वापस से मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी मिक्स हो चुका था। इसलिए सॉरी, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक कप लिया है कोकोनट ऑयल और उसमें दो चम्मच मैंने कॉफ़ी के डाले हैं। कॉफ़ी जो हम बनाते हैं ना घर पर, वही वाली कॉफ़ी। मैं यहाँ पर जो मैंने कॉफ़ी यूज़ की है गाइस, वो मैंने ली है नेस्कैफ की कॉफ़ी। आपके पास जो भी है आप वो वाली ले लीजिएगा, जो आप यूज़ करते हैं वो। आपको दो चम्मच ही लेने हैं बस, ठीक है। ऑयल के अंदर मिक्स कर लिए, ताकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो पूरे मेल्ट होकर ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएँ। एंड इसको आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद में एक कांच का ग्लास ले लेना, कांच का ग्लास नहीं सॉरी कांच का जार, ठीक है। उस जार के अंदर या किसी बॉटल में इसको डाल के और तीन दिन के लिए धूप में रख देना। धूप में रखेंगे तो इसकी जितनी भी गुडनेस है वो सारी ऑयल के अंदर आ जाएगी। हम इसे डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं मतलब पकाना है, मतलब ये समझ लो इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं पकाना है इसको, ठीक है। या तो आप डबल बॉयलर वाला जो मेथड होता है उससे कर लीजिए, एक भगोने में पानी लेकर और फिर अपना जो कटोरी है ना उसके इसके अंदर ये ऑयल डाल के और उसके अंदर रख दी, जिससे बॉयल नीचे पानी जब होगा ना, गर्म बॉयल होगा, तो ये कटोरी के थ्रू वो जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाएगा। या तो ये वाला मेथड कर लीजिए आप, अगर आपके आसपास धूप नहीं है कहीं पे तो। एंड अगर धूप है तो फिर आप तीन चार दिन के लिए उसको धूप में छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में आप इसे इजीली अपने बालों के लिए यूज़ करिए। बालों में आप ओवरनाइट इसको रख सकते हैं, ऑयल को लगाकर मसाज करना, और ओवरनाइट भी रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप 2 से 3 घंटे रखिए मॉर्निंग में, और फिर हेयर वॉश कर लीजिए शैम्पू से, ठीक है। ये आपको करना है। अब ये कॉफ़ी क्या करेगी गाइस, कॉफ़ी जो होती है उसके अंदर कैफीन होता है, एंड कैफीन इतना अच्छा काम करता है हेयर फॉल के ऊपर और गंजेपन के ऊपर। आपके सिर पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा गंजापन आ गया, जगह जगह से बाल उड़ गए हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इससे आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये आपके हेयर फॉल और गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कॉफ़ी है क्या करेगी, इसमें जो कैफीन होता है ना, वो उसकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम करेगा एंड बालों को फिर से नए आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम करती है, बालों में चमक लेकर आती है, एक नेचुरल जो चमक होती है ना, आप फ्रूटी के बाल देख सकते हो, इसके बहुत ज़्यादा चमकते हैं बाल, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें यूज़ करती है, जो जो मैं पैक में यूज़ करती हूँ, जो मैं पैक लेती हूँ, बताती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें ये भी करती है। तो इसके बाल टचवुड बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे, एंड काफ़ी लेंथ इंक्रीज़ भी हो गई है, पहले काफ़ी शॉर्ट हो रहा था, मतलब बैक तक थे, काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो सारी चीज़ें रेगुलर करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप यहाँ देख रहे हो, ये आपको हेयर स्टाइल बता रही है, क्योंकि ये मुझे बोल रही थी कि मेरी वीडियो लेना, मैं एक टीनेजर की हेयर स्टाइल बताऊँगी बहुत अच्छी, तो मैंने कहा ठीक है तो बता देना। तो ये अपने बैठी बैठी बना रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो ले ली, तो आप लोग ज़रूर देखना, सब टीनेजर हैं तो ज़रूर ये बनाना, अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ में इसने बनाई है, ठीक है। तो ये गाइस कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर बनाना इस ऑयल को। जो मैंने ब्लैक टी ऑयल आपके साथ शेयर किया ना, वो और ये दोनों सेम काम करेगा। अगर आप ब्लैक टी अभी यूज़ कर रहे हो तो फिर ये मत बनाना, और जिसने ब्लैक टी नहीं यूज़ कर रहा है जो, वो ये वाला बना लीजिए, क्योंकि दोनों में ही कैफीन होता है और दोनों ही सेम काम करेंगे, ठीक है। जो मैंने उसमें भी आपको बताया था
DHT लेवल को वो कम करके और बालों में थिकनेस लेकर आता है, न्यू हेयर की ग्रोथ होती है। सेम ये कॉफ़ी भी यही करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको कम करेगा एंड बालों में थिकनेस लेकर आएगा। बाल लंबे होंगे, नेचुरल चमक आएगी, बाल काले भी होंगे। आपको पता है हम हीना में हर चीज़ में है ना कॉफ़ी मिक्स करके और यूज़ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपके बाल हैं वो डार्क कलर के होते हैं एंड बालों में अच्छी शाइनिंग आती है और थिकनेस आती है, क्योंकि कॉफ़ी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, तो ये हो गया कॉफ़ी की बात, भी बन गया एंड हेयर स्टाइल आप देख ही रहे हो। तो यहां पर इसने इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है कि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करूंगी एंड इसने इस तरह से बनाई, एक आपको पूरा दिखा दिया एंड सेकंड है फिर इसको दोनों को ट्विस्ट करती गई और फिर दोनों को आपस में ट्विस्ट करती गई, ऐसे करके इसने बनाई है तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। टीनेजर कब बना सकते हैं, अभी जैसे देखिए नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, आप एवरीडे अभी तो बाहर आई डोंट नो मतलब बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप घर पर तो रेडी होंगे ही ना, तो आप इस तरह की है ना बना सकते हैं और ये सिंगल भी बना सकते हैं। इसने जैसे दो चोटी बनाई है, आप एक चोटी के साथ भी इस तरह से कर सकते हो तो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अब मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा रही हूँ, आप लोग देखिए एंड फिर हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी तो हम लोग मार्केट गए थे, तो थोड़ा सा मैंने वो छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ डाल दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है ठीक है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप छोटे छोटे व्लॉग देखना चाहोगे कि मैं क्या करती हूँ है ना, मेरी लाइफ में क्या मतलब है, मैं नया क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कुछ भी चीज़ मतलब आप जो देखना चाहते हो। अगर आप बहुत सारे लाइक करोगे एंड अगर आप बहुत सारे कमेंट करके सब लोग बोलोगे कि नहीं हमें ये देखना है तो ही मैं इस पर मेहनत करूँगी, अदरवाइज़ देखो मैं डबल मेहनत नहीं कर सकती, फिर मैं सिर्फ आपके लिए हेयर की वीडियो ही लेकर आऊँगी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप चाहिए, व्लॉग चाहिए, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो अब ये मॉर्निंग में इसने हेयर बनाई थी, हेयर अपनी स्टाइल एंड लंच में मैंने कल आपके साथ पोस्ट किया था ना, आपने सबको बहुत अच्छी लगी थी, वो दाल ढोकले की रेसिपी है, हम लोग राजस्थान में खाते हैं दाल ढोकला, अमेजिंग बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी कि बस, और भरपूर मात्रा में प्रोटीन है देखो दाल के अंदर एंड ऊपर से ये छौंक लगाया था जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी और इतनी यम्मी लग रही थी ना यार, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी वीडियो मैंने नहीं ली, मुझे माइंड में भी नहीं आया वीडियो लेना, तो अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मतलब दो चार दिन बाद फिर से मैं बनाऊंगी इसको एंड आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। ठीक है, ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप इसकी रेसिपी डालना, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब लोग बहुत चाव से खाएंगे, आप लोग ज़रूर बनाना। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाई है ना तो मेरी रेसिपी देखने के बाद ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी मतलब ये डिश लगेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग लंच करने के बाद में मैं 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास हम लोग मार्केट चले गए थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी थी एंड 3-4 दिन से पेंडिंग ही हो रहा था काम, मैंने कहा चलो चलते हैं। तभी तो आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज पूरे दिन थोड़ा सा बिजी वाला ही चल रहा था। तो हम लोग चले गए थे फिर और आप देख सकते हैं फिर आगे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू देखना और वीडियो को सब लोग लाइक करना एंड सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, और आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो गाइस प्लीज़ आज की वीडियो को छोड़ के बाकी की वीडियो सारी देखिए, हेयर केयर की वीडियो है। मैं चाहती हूँ जितनी भी टीनेजर हैं और जो अपने बाल लंबे करना चाहते हैं वो सब रेगुलर 1-2 महीने लग जाएँ अपने बालों के ऊपर, तो सीरियसली आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे, आपके बालों का टेक्स्चर अच्छा हो जाएगा, आपके बाल एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ हो जाएंगे, लंबे घने सब कुछ हो जाएगा, हेयरफॉल सब कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप मेरे वीडियोस के को वॉच करते हैं, देखते हैं और रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, फिर हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी एंड फिर मैं सामने आपको दिख रहा है ना वो मैं आ रही हूँ और फ्रूटी ले रही थी, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है लेकिन फिर भी अब जब करने लग जाएंगे व्लॉगिंग तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये साड़ी है जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी, हमारे यहाँ पता है आपको राजस्थान में ना बंदेज बहुत ज़्यादा फेमस है, बंदेज की ड्रेसेस है, बंदेज की साड़ियाँ हैं, बंदेज का साफ़ा जो होता है ना शादी में पहनते साफ़ा वो है, मतलब बंदेज बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत हाई क्वालिटी का एंड काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव भी आती है, मतलब आप इसकी जो साड़ियाँ और ड्रेसेस देखोगे ना हज़ारों पर आती है, मतलब नॉर्मल भी मिल जाती है बट काफ़ी अच्छी, क्योंकि बंदेज काफ़ी मतलब राजस्थान माना जाता है।
तो ये बंदेस की साड़ियाँ थी एंड यहाँ पर हम लोग मतलब जस्ट एक और राउंड लगा रहे थे। सामान तो हम लोगों ने सारा ले लिया था जो लेना था वो, फिर हम लोगों ने कहा चलो आ ही गए तो सारे फ्लोर में एक एक राउंड लगा लेते हैं। तो हम लोग जस्ट कुर्तीज़ वगैरह ये देख रहे थे एंड मैंने दो कुर्ती अपने लिए ली है, तो वीडियो में आपको ज़रूर मिल दिख जाएगी, मैं किसी वीडियो में पहनूंगी तो ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे जस्ट ऐसे ही। तो अब मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ और आप लोग इन्जॉय करिए, एंड आपको वीडियोस पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताना। इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग आप देखना पसंद करोगे तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो बहुत सारे लाइक करना इसके ऊपर, इतने लाइक करना और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, ठीक है। बाय बाय।